Welcome back, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to start another chapter of our SST book by Brain Root series. The name of our book is Jelly Bean Journeys in Social Studies, Class 2. Today we are going to start chapter number 10 and the name of our chapter is Animals Life. इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सम एंड सब्सटेंस, इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे एनिमल किंगडम्स के बारे में, होम्स ऑफ एनिमल्स, ट्रीटिंग एनिमल्स प्रॉपरली, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, फिश के बारे में पढ़ेंगे और आप पढ़ेंगे फूड ऑफ एनिमल्स। हमारी तरह एनिमल्स को भी खाना चाहिए जीने के लिए और ग्रो करने के लिए। बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, फर्स्ट वी विल डू वन एक्टिविटी। कलेक्ट एंड पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग इन द स्पेस गिवन बिलो। यहाँ पे स्पेस दी हुई है, उसमें आपको क्या करना है, पहले कॉलम में आपको उन एनिमल की पिक्चर पेस्ट करनी है, किसी भी एक एनिमल की जो पानी में रहते हैं, और दूसरे कॉलम में आपको उस एनिमल की पिक्चर पेस्ट करनी है जो फ्लाई उड़ सकते हैं। दिस एक्टिविटी यू विल डू बाय योरसेल्फ। एनिमल किंगडम, एनिमल्स, बर्ड्स, फिश एंड इंसेक्ट्स मेक अप द एनिमल किंगडम। लेट अस डिस्कस अबाउट देम। एनिमल किंगडम कौन बनाता है? एनिमल्स, बर्ड, फिश और इंसेक्ट्स मिलकर क्या बनाते हैं एनिमल किंगडम, तो चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाइल्ड एनिमल्स के बारे में, जंगली जानवरों के बारे में। एनिमल्स डेट लिव विदाउट ह्यूमन केयर आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। दे लिव इन जंगल, सी, फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन एंड रिवर्स। दे फाइंड देयर ओन फूड एंड वाटर। लायंस, टाइगर, एलिफेंट, बियर, वुल्फ, डियर एक्सेट्रा आर वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल वो एनिमल्स होते हैं जिन्हें ह्यूमन बीइंग की केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपनी परवरिश अपने आप करते हैं, वो अपना खाना खुद ढूंढते हैं, अपना पानी खुद तलाशते हैं, और वो कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं। शेर, चीता, भालू, हाथी और हिरन, ये सब कौन है, वाइल्ड एनिमल्स हैं, जंगली जानवर। नाउ वी विल लर्न अबाउट डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं? Some animals are kept in our farms or field are called domestic animals. वो जानवर जिन्हें हम अपने घरों में या अपने फार्म पे रखते हैं उन्हें हम domestic animals कहते हैं, जिनका पालन पोषण human being करता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। They are very useful to us. They give us milk and wool. Cow, goat, sheep, horse, donkey, hen, etc. are domestic animals. डोमेस्टिक एनिमल्स हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं, ये हमें दूध, ऊन देते हैं। गाय, बकरी, भेड़, घोड़ा, हैन, ये सब कौन है, डोमेस्टिक एनिमल्स। नाउ वी विल लर्न अबाउट पेट एनिमल्स, पालतू जानवर। सम एनिमल्स आर केप्ट विद अस इन आर हाउसेस, दे आर कॉल्ड पेट एनिमल्स। वी प्रोवाइड देम टेंडर लव एंड केयर। दे मे और मे नॉट बी यूजफुल टू अस। We keep them along with us because we like their company. Dog, cats, rabbit, fish, parrot, etc. are pet animals. वो जानवर जिन्हें हम अपने साथ अपने घर में रखते हैं, जिनके साथ रहना हमें अच्छा लगता है, ज़रूरी नहीं है कि वो जानवर हमें कुछ ना कुछ दे, लेकिन उनकी कंपनी हमें अच्छी लगती है, इसीलिए हम उन्हें अपने घरों में रखते हैं। कुत्ता, बिल्ली, खरगोश और तोता, ये सब क्या है, डोमेस्टिक एनिमल्स। नाउ वी विल लर्न अबाउट बर्ड्स। बर्ड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। द एनिमल किंगडम्स ऑल्सो इंक्लूड्स डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स। एनिमल किंगडम में अलग अलग तरह की बर्ड्स भी आती हैं। ऑलमोस्ट ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई। सम बर्ड्स सच एज डक स्विम। ज़्यादातर जितने भी पक्षी होते हैं सब उड़ते हैं, लेकिन कुछ पक्षी जैसे डक, ये क्या करती हैं, पानी में तैरती हैं। दे लिव नियर द वॉटर। सम बर्ड्स सच एज ईमू, ऑस्ट्रिच एंड कीवी आर वेरी हैवी बर्ड्स एंड दे डू नॉट फ्लाई। सम बर्ड्स सच एज ईगल फ्लाई वेरी हाई। डक
क्या होती है, पानी के आसपास रहती है। लेकिन कुछ बर्ड्स जैसे ऑस्ट्रिच, ईमू और कीवी, ये बहुत हैवी होती हैं जिस कारण ये उड़ नहीं सकती। और आप सबने चील, ईगल तो सुना होगा जिसे हम चील कहते हैं, ये बहुत हाई, बहुत ऊंचा उड़ती हैं। नाउ इंटरप्रिटेशन, देयर वर सम एनिमल्स सच एज डोडो एंड डायनासोर विच लिव्ड ऑन अर्थ थाउजेंड ऑफ ईयर अगो, दे आर नो लॉन्गर फाउंड ऑन द अर्थ। सच एनिमल्स आर कॉल्ड एग्जिंक्ट एनिमल्स। आपने देखा होगा या सुना होगा डायनासोर का नाम। ये डायनासोर कुछ हजार वर्षों पहले धरती पर पाए जाते थे। ऐसे ही डोडो भी एक एनिमल्स का नाम है जो धरती पर पाया जाता था लेकिन कुछ सालों पहले। लेकिन अब डोडो और डायनासोर नाम के जानवर धरती पर नहीं पाए जाते। नाउ वी विल लर्न अबाउट इंसेक्ट्स। अब हम कीट पतंगों के बारे में पढ़ेंगे। दे आर वेरी टाइनी डेट वी कैन सी अराउंड अस आर कॉल्ड इंसेक्ट। बहुत छोटे छोटे जानवरों को हम अपने आसपास देखते हैं, उन्हें हम इंसेक्ट्स कहते हैं। जैसे कॉकरेज, कीड़ा, फ्लाई बी, मक्खी, मधुमक्खी, बटरफ्लाई और मच्छर। बटरफ्लाईज किसे कहते हैं, तितली को। ये सब क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, कॉमन इंसेक्ट्स हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं। फिश, फिश किसे कहते हैं, फिश हम कहते हैं मछली को। आप सब ने बचपन में एक कविता सुनी होगी, मछली जल की रानी है। देयर आर मैनी काइंड ऑफ फिशेज, बहुत तरह की फिशेज होती हैं। सम फिशेज आर स्मॉल वाइल अदर लाइक शार्क आर बिग। कुछ फिशेज तो बहुत छोटी होती हैं लेकिन शार्क, शार्क भी क्या है, एक फिश है, और ये कैसी होती है, बहुत बड़ी होती है। कुछ पॉन्ड्स में रहती हैं, लेक्स में, रिवर में, और कुछ बड़ी बड़ी मछलियाँ कहाँ रहती हैं, सागर और महासागर में। तो जो मछलियाँ या जो जानवर पानी में रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, ये पानी के अंदर रहते हैं। नाउ वी विल लर्न होम्स फॉर एनिमल्स। जैसे हमें रहने के लिए घर चाहिए, उसी प्रकार जानवरों को भी रहने के लिए क्या चाहिए, घर चाहिए। एनिमल्स ऑल्सो नीड होम जस्ट लाइक अस, हमारी तरह उन्हें भी घर चाहिए। सम एनिमल्स मेक देयर होम्स ऑन देयर ओन, कुछ जानवर अपना घर खुद बनाते हैं। बर्ड्स मेक डिफरेंट टाइप ऑफ नेस्ट टू लिव एंड ले एग, चिड़िया अलग अलग तरह की घोंसले बनाती है रहने के लिए और अंडे देने के लिए। एनिमल्स लाइक मोल्स, अर्थवॉर्म, स्नेक एंड स्नेल लिव अंडरग्राउंड बाय डिगिंग होल्स। कुछ जानवर जैसे सांप, अर्थवॉर्म, स्नेल, ये सब क्या करते हैं, जमीन के अंदर बिल बनाकर रहते हैं। एंट मेक मड हिल्स टू लिव इन, दीज आर कॉल्ड एंट हिल्स। एंट किसे कहते हैं, एंट हम कहते हैं चींटी को। चींटी देखिए इस तरह से मिट्टी का घर बनाती है जिसे हम एंट हिल्स कहते हैं। रैबिट कहाँ रहता है, रैबिट बुरों में रहता है। बीज, बीज मतलब मधुमक्खियाँ, मधुमक्खियाँ कहाँ रहती हैं, छत्ता बनाती है, और उनके घर को क्या कहते हैं, बी हाइव्स कहते हैं। और हमें मधुमक्खियों से क्या मिलता है, शहद मिलता है और वैक्स मिलता है। पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स लिव इन शेल्टर मेड बाय ह्यूमन। डोमेस्टिक एनिमल्स और पेट एनिमल्स के जो घर होते हैं वो कौन बनाता है, ह्यूमन बीन, हम लोग बनाते हैं। काउ, बफेलो एंड ऑक्सर आर कैप्ट इन शेड्स। काउ एंड बफेलोज गिव अस मिल्क। गाय, भैंस, बैल कहाँ रहते हैं, शेड, जिसे हम छप्पर कहते हैं। गाय और भैंस हमें क्या देती है, दूध देती है। शीप और गोट कहाँ रहते हैं, पेन में रहते हैं, और शीप से हमें क्या मिलती है, वूल मिलती है। हॉर्स स्टेबल में रहता है, हैन कूप में रहती है, और हैन हमें एग देती है और मीट मिलता है। वाइल्ड एनिमल्स के जो घर हैं वो नेचुरली होते हैं, जैसे पेड़ों पर रहते हैं, केव में, गुफा में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। मंकीज एंड स्पायरल्स लिव इन द ट्री। मंकी, बंदर और गिलहरी पेड़ पर रहते हैं। क्रोकोडाइल वाटर में रहता है, पानी में रहता है। नाउ वी विल लर्न अबाउट फूड फॉर एनिमल्स। जानवरों को भी जीने के लिए भोजन की आवश्यकता है।
सभी जानवर अलग अलग तरह का भोजन करते हैं। चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। एनिमल्स सच एज हिरन, जिराफ, घोड़ा और हाथी क्या खाते हैं? घास खाते हैं और हरी पत्तियां खाते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? प्लांट ईटर कहते हैं या फिर हम इन्हें हर्बीवोरस एनिमल्स कहते हैं, शाकाहारी जानवर जो पेड़ पत्ते और उनकी पत्तियां खाते हैं। एनिमल्स सच एज लायन, टाइगर, चीता, वुल्फ एंड क्रोकोडाइल ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। शेर, चीता, भालू, लोमड़ी ये सब क्या खाते हैं? दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, इसलिए हम इन्हें मीट ईटर या कार्निवोरस एनिमल्स कहते हैं। कुछ जानवर जैसे कि हिना, जैकल और वल्चर ये क्या खाते हैं? मरे हुए जानवरों का मीट खाते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? स्क्वेंजर्स कहते हैं। और ये क्या करते हैं? जंगल को क्लीन रखते हैं। मानो कि कोई जानवर मर गया जंगल में, तो गिद्ध किसे कहते हैं हम? वल्चर्स को। हिना और जैकल उनका मांस खाते हैं, तो उससे क्या होता है? फॉरेस्ट एकदम क्लीन हो जाता है। एनिमल्स सच एज बियर, कैट्स, डॉग एंड क्रो ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश, दे आर कॉल्ड ओमनीवोरस एनिमल्स। कुछ जानवर जैसे कि भालू, बिल्ली, कुत्ता और कौवा ये प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं, मतलब मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं। तो इस तरह के जानवरों को हम ओमनीवोरस एनिमल्स कहते हैं। नाउ वी विल लर्न ट्रीटिंग एनिमल्स प्रॉपरली, कि हमें एनिमल्स को कैसे ट्रीट करना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए उनके प्रति। वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स, एनिमल्स के प्रति हमारा स्वभाव बिल्कुल दयालु होना चाहिए। हमें एनिमल्स को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, उन्हें चिढ़ाना नहीं चाहिए और हमें एनिमल्स को अच्छा और भरपूर भोजन देना चाहिए। ये नहीं कि उन्हें खराब और गंदा खाना, तो जैसा खाना हम खाते हैं उसी प्रकार का अच्छा खाना हमें जानवरों को देना चाहिए। वी शुड गिव दैम प्रॉपर शेल्टर, क्लीन एंड हाइजीनिक एनवायरमेंट, उन्हें अच्छा सा घर दीजिए, अच्छी देखभाल करिए उन्हें और आसपास का वातावरण भी उनका बहुत अच्छा रखना चाहिए हमें। हमें डोमेस्टिक एनिमल्स की केयर करनी चाहिए, उन्हें डेली कम से कम आधे घंटे के लिए सैर पर ले जाना चाहिए। वी शुड टेक आर डोमेस्टिक एनिमल टू अ वेटनरी और वेट व्हेन दे आर इल और हर्ट, अगर हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स बीमार हैं तो हमें उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जानवरों के डॉक्टर को हम वेटनरी डॉक्टर कहते हैं। नाउ टाइम टू हैव अ लुक ओवर, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एंड फिश मेक अप द एनिमल्स किंगडम। एनिमल्स डेट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल, वो जानवर जो पानी में रहते हैं उन्हें एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। वाइल्ड एनिमल फॉरेस्ट में रहते हैं। बर्ड्स क्या करती हैं? अलग अलग तरह के नेस्ट बनाती हैं रहने के लिए और अंडे देने के लिए। एनिमल्स को भी क्या चाहिए? घर चाहिए रहने के लिए। नाउ एस्टिमेशन कॉर्नर एक्सरसाइज वन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को चूज करिए। वाइल्ड एनिमल्स लिव इन, वाइल्ड एनिमल्स कहाँ रहते हैं? केव में, डेन में, जंगल में या ऑल ऑफ दीज, गुफा में या डेन में रहते हैं या फिर जंगल में? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, वो डेन में भी रहते हैं, केव में भी और जंगल में भी। डैश फ्लाई वेरी हाई, कौन बहुत ऊंचा उड़ता है? कीवी, डक, बीज या ईगल? तो करेक्ट ऑप्शन है ईगल। नंबर थ्री, वेल एंड डॉल्फिन्स आर, वेल और डॉल्फिन्स क्या है? बर्ड्स हैं, इंसेक्ट हैं, फिश है या मैमल्स है? तो करेक्ट ऑप्शन है फिश। नंबर फोर एंड नंबर फाइव यू विल डू बाय योरसेल्फ। नाउ एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स, अब हमें खाली स्थान भरने हैं हेल्प बॉक्स की मदद से। ऑलमोस्ट ऑल बर्ड्स कैन, अधिकतर सारी बर्ड्स क्या करती हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है फ्लाई, सारी बर्ड्स उड़ती हैं। नंबर टू, लायन एंड बियर्स लिव इन अ, लायन और बियर कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं फॉरेस्ट में, एफ ओ आर ई एस टी फॉरेस्ट। एनिमल कैप्ट इन अ फार्म और फील्ड आर डैश एनिमल,
वो जानवर जिन्हें फार्म और फील्ड पर रखा जाता है वो कैसे जानवर होते हैं? वो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, DOMESTIC, डोमेस्टिक। रैबिट्स लिव्स इन आ, रैबिट कहाँ रहता है? रैबिट रहता है बुरो में, तो हम यहाँ लिखेंगे BURROW, बुरो। मंकी एंड स्क्वायरल लिव इन द, मंकी और स्क्वायरल यानी कि बंदर और गिलहरी कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं ट्रीज पर। नाउ एक्सरसाइज सी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। कुछ वाक्य दिए हुए हैं, आपको बताना है वो सही है या गलत है। नंबर वन, वी प्रोवाइड फूड शेल्टर्स टू डोमेस्टिक एनिमल्स। हम डोमेस्टिक एनिमल्स को घर प्रोवाइड कराते हैं और भोजन। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नंबर टू, वाइल्ड एनिमल्स लिव इन मैन मेड हैबिटेट। वाइल्ड एनिमल्स इंसान द्वारा बनाए गए घरों में रहते हैं। नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नंबर थ्री, क्रोकोडाइल्स लिव इन द वाटर। क्रोकोडाइल पानी में रहता है। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नंबर फोर एंड फाइव यू विल डू बाय योरसेल्फ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। हमने अलग अलग जानवरों के बारे में पढ़ा, उनके भोजन के बारे में पढ़ा और उनके घरों के बारे में पढ़ा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।